नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नागौर पंचायत चुनाव 2020 से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव में पहले दो घंटे में मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। जी हां, पंचायत चुनाव में नागौर में पहले दो घंटे में मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। सर्दी के कारण कई स्थान पर धीमी तरीके से हो रहा है मतदान। खीवसर में 11.50% तक मतदान किया जा चुका, साथ ही साथ जायल में 10.61%, नागौर में 12.90% और जिलों में चार पंचायत समिति जिला परिषद वार्डों के लिए मतदान अभी भी जारी है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देवउठनी एकादशी से शुरू होने वाले विवाह समारोह के लिए राजस्थान में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। इसी दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि 100 से ज़्यादा व्यक्ति शादी में एकत्रित होते हैं तो जुर्माना राशि को 10,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपये वसूला जाएगा। गहलोत ने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बाजारों में जाकर के यह सुनिश्चित करे कि वहां हेल्थ प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन हो भी रहा है या नहीं। देश में पहली बार हो रहे डिजिटल बाल मेला में आज ऑनलाइन डिबेट होगी। डिबेट का विषय है ऑनलाइन क्लास सही है या नहीं। कोरोना पैंडेमिक की वजह से पिछले 8 महीने से बच्चे घरों पर ही हैं। सब स्कूल कब खुलेंगे इसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र ऑनलाइन क्लासेस से स्कूल पढ़ाई करा रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास को लेकर बड़ा विवाद भी अभी छिड़ा हुआ है। अभिभावकों की शिकायतें तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन टीचर्स भी बहुत परेशान हैं। साथ ही साथ बच्चे क्या सोचते हैं आज डिजिटल बाल मेला में सुनेंगे बच्चों के मन की बात। डिबेट होगी ऑनलाइन क्लास अच्छी लगती है या फिर नहीं, इसी के बारे में बच्चे अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया। कोरोना संक्रमण प्रदेश में नित नए रिकॉर्ड बनाते हुए तेजी के साथ फैल रहा है। रविवार को रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। रविवार को एक ही दिन में राज्य भर में 3260 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौतों में भी बेहताशा इजाफा हो रहा है। इस अवधि में 17 पॉजिटिव मरीजों ने दम भी तोड़ दिया। साथ ही साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 2,43,936 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए मास्क लगाना जरूरी किया और ऐसा न करने पर 500 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य में धारा 144 लगाई गई है। उधर शहरों में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर में रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू अभी भी जारी है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा की रविवार रात को कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है रिपोर्ट। उन्हें इलाज के लिए राजधानी जयपुर स्थित RUHS अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। डॉक्टर शर्मा के मौजूदा स्टाफ की भी कोविड जांच कराई गई है। CM अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री की कुशलक्षेम पूछी है और साथ ही साथ CM ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। राजस्थान में सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले के माउंट आबू में रविवार रात को पारा जमाव बिंदु पर पहुंच चुका था। वहीं हाड़ोती और शेखावटी समेत प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का जोर बढ़ गया। इन इलाकों में पारा लगातार गोता लगाता जा रहा है और राजधानी जयपुर में भी सुबह और शाम को सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।